अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाद खाज खुजली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुजर्रब तेल। ये आपको बनाना है और इस्तेमाल करना है और फ़ायदा उठाएं। बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन है। कैसा भी चर्म रोग हो, इंशाल्लाह ताला इसके लगाने से वह ठीक हो जाता है। दाद हो, उस पर भी कुछ दिन लगाते रहें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खुजली हो और सोराइसिस हो, चर्म रोग हो, कैसा भी चर्म रोग हो, झाइयाँ हो, तो आप इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। इसमें जो सबसे पहले आपको अज्जा लेना है वो आंबा हल्दी 10 ग्राम, इसका पाउडर लेना है 10 ग्राम पाउडर, और गंधक क्षार ये भी आपको लेना है परीक्ष फूक करके 10 ग्राम, और बावची का पाउडर ये भी लेना है आपको 10 ग्राम। ये तीनों हम वजन लेना है, और सरसों का कच्ची घाने का तेल आपको लेना है 100 ग्राम। अब आपको क्या करना है, इन सभी को सरसों के तेल में डालकर आग पर चढ़ा दें। कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में ये तैयार करना है, दूसरे किसी धातु की कढ़ाई नहीं होनी चाहिए। उसमें ये डालें और पकाएं, और जब ये पककर काला हो जाए तो फिर किसी चीज़ से इसको घुटाई कर दें। जब वह घुटाई करके बिल्कुल ये यक जान हो जाए, तो बस आपका ये दाद खाज खुजली के लिए, चर्म रोग के लिए मुजर्रब तेल तैयार है। आपको जहाँ भी सफ़ेद दाग हो, चर्म रोग कैसा भी हो, झाइयाँ हो, दाद खाज खुजली हो, सभी पर इसको लगाएं। कुछ दिन लगाते रहने से इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मुजर्रब नुस्खा है, आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। अगर आपको यह हमारा नुस्खा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।